सात राज्यों में हुए उपचुनाव के नतीजे बेहद शानदार हैं। इंडिया गठबंधन 13 में से 10 सीटें जीता है, एक पर एक इंडिपेंडेंट की विजय हुई है। भारतीय जनता पार्टी वाले 13 सीट लड़े थे, 11 सीट पर हारे हैं, मात्र 2 जीते हैं। ये देश सिरे से बीजेपी को नकार रहा है। ये देश नरेंद्र मोदी को एक महीने के अंदर ही एक और बड़ा संदेश दे रहा है और फिर से कह रहा है कि हमें नफरत की, हिंसा की, वैमनस्य की, उलझलूल की बातों की राजनीति नहीं चाहिए। हमें अमन चाहिए, हमें शांति चाहिए, हमें चैन चाहिए, हमें मोहब्बत चाहिए, हमें प्रगति चाहिए। यह देश कह रहा है कि नीट पर चर्चा चाहिए। यह देश कह रहा है कि मणिपुर के घाव पर मरहम चाहिए। यह देश कह रहा है बेरोजगारी और महंगाई से निजात चाहिए। एक संदेश प्रभु ने भी दिया है, पहले अयोध्या हारी बीजेपी और अब बद्रीनाथ धाम हार गई। यही नहीं, बीजेपी अयोध्या ये सब राम जी से संबंधित जगह हैं। अयोध्या, सीतापुर, बस्ती, प्रयागराज, चित्रकूट, कोप्पल, नासिक, रामटेक, रामेश्वरम सब हारते हुए अब बद्रीनाथ भी हार गई। उत्तराखंड में हम 2 सीट जीते, मंगलौर और बद्रीनाथ धाम की। कहने वाले बीजेपी के कह रहे हैं मंगलौर में मुस्लिम ज्यादा है, बद्रीनाथ में तो 98% हिंदू है, क्या कहिएगा वहां क्यों हार गए। और मंगलौर में जो प्रशासन के साथ मिलकर गंद करी थी चुनाव के दौरान, जो रक्त रंजन किया था, जो मुस्लिम मतदाताओं को जबरन वोट ना देने दिया था, उसका परिणाम सामने है, बीजेपी सिरे से हार गई है। हिमाचल प्रदेश में भी लोगों की हिमाचलियत को ललकार दिया था, जनादेश का असम्मान किया था, सरकार को गिराने का कुत्सित प्रयास किया था। जिन 3 सीटों पर निर्दलियों का इस्तीफा दिलाकर चुनाव कराया गया उनमें से 2 कांग्रेस ने जीत ली। तो हिमाचल ने भी खड़े होकर कहा कि हमारे जनादेश, हमारे मताधिकार के साथ असम्मान मत कीजिए, हमारी हिमाचलियत को मत ललकारिए। ये देश जाग चुका है, इस देश का हिंदू, इस देश का मुसलमान, इस देश के युवा, महिला, किसान, मजदूर सब जाग चुके हैं और वो एक स्वर में कह रहे हैं कि देश में राजनीति हमारे मुद्दों पर, हमारी चीजों पर होनी चाहिए। और वो एक स्वर में नरेंद्र मोदी की नापाक राजनीति को नकार रहे हैं। वो इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं, मोहब्बत वाले लीडर के साथ खड़े हैं, मुद्दों को उठाने वाले लीडर के साथ खड़े हैं। वो राहुल गांधी के साथ खड़े हैं, वो हमारे घटक दलों के साथ खड़े हैं। वो खड़े होकर निष्पक्ष तौर से ये कह रहे हैं कि ये देश मोहब्बत से, शांति से और न्याय से चलेगा, अन्यथा हम सबक जरूर सिखाएंगे।